भारत का दक्षिण पूर्वी राज्य, कृषि प्रधान प्रदेश, तिरुमलय की पवित्र भूमि आंध्र प्रदेश स्थित ZP हाई स्कूल उपरापल्ली अनकापल्ली जिले के संगीत शिक्षक श्री कोंडा कांची संपत राव जी हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। संपत राव जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रधानमंत्री वर्य वारी नमस्कार, मेरा नाम कोंडकंच संपतराव है और मैं ZP हाई स्कूल उपरापल्ली अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में शिक्षक हूँ। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि एक शिक्षक के रूप में मैं किन तरीकों से अपने छात्रों को परीक्षा देने में तनाव मुक्त बनाने में मदद कर सकता हूँ, कृपया इस पर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भारत के पूर्व में चाय बागानों तथा सुंदर पर्वतीय प्रदेश ब्रह्मपुत्र की भूमि असम के शिव सागर स्थित हाशारा हाई स्कूल से एक टीचर बंटी मेधी जी, जो कि सभागार में उपस्थित है, प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। मैम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम बंटी मेधी, ए टीचर फ्रॉम शिवसागर डिस्ट्रिक्ट आसाम। माय क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ए टीचर इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, प्लीज गाइड अस, थैंक यू। धन्यवाद मैम। प्रधानमंत्री जी, कृपया आंध्र प्रदेश के संगीत शिक्षक श्री संपत राव जी और सभागार में उपस्थित शिक्षिका बंटी मेथी जी द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों में वे परीक्षा के समय शिक्षकों की भूमिका के विषय में जानना चाहते हैं कि वे किस प्रकार विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने में सहायता करें। कृपया समस्त शिक्षक वर्ग का मार्गदर्शन कीजिए। पहले तो मैं समझता हूँ जो संगीत के टीचर है वो तो अपने क्लास नहीं पूरी स्कूल के बच्चों का तनाव खत्म कर सकते हैं। संगीत में वो सामर्थ्य है। हाँ, अगर हम कान बंद कर करके संगीत में बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम होते हैं संगीत बज तो रहा है लेकिन हम कहीं और होते हैं और इसलिए हम उसका आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी टीचर के मन में जब ये विचार आता है कि मैं स्टूडेंट के इस तनाव को कैसे दूर करूं, मैं हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन शायद मुझे लगता है कि टीचर के मन में परीक्षा का कालखंड है। अगर टीचर और स्टूडेंट का नाता परीक्षा के कालखंड का है तो सबसे पहले वो नाता करेक्ट करना चाहिए। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता जैसे ही आप पहले दिन वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। आप सोचिए, आज मोबाइल का जमाना है, स्टूडेंट के पास भी आपका मोबाइल होगा ही होगा। क्या कभी किसी स्टूडेंट ने आपको फोन किया है, कॉल पर कांटेक्ट किया है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैं चिंता में हूं? कभी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता ही नहीं है
कि मेरी जिंदगी में आपका कोई विशेष स्थान है, उसको लगता है कि आपका मेरा नाता सब्जेक्ट है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, लैंग्वेज है। जिस दिन आप सिलेबस से आगे निकल करके उससे नाता जोड़ोगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जरूर आपसे अपने मन की बात करेगा। अगर ये नाता है तो एग्जाम के समय तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। आपने कई डॉक्टर्स देखे होंगे, उन डॉक्टर में डिग्री तो सबके पास होती है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ज्यादा सफल इसलिए होते हैं कि पेशेंट आकर के जाने के बाद एक आध दिन के बाद फिर उसको फोन करते हैं कि भाई आपने वो दवाई ठीक से ले ली थी, कैसा है आपका। वो दूसरे दिन अपने अस्पताल आएगा तब तक इंतजार करने के बजाय बीच में एक आध बार बात कर लेते हैं, और वो बॉन्डिंग होता है ना, वो उसको आधा ठीक कर देता है। आप में से कोई टीचर ऐसे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया और जाकर के उसे परिवार में बैठकर के कहा भाई आज तो मैं मिठाई खाने आया हूं, आपके बच्चे ने इतना शानदार कर दिया, आज आपसे मिठाई खाऊंगा। आपको कल्पना आती है कि उस मां बाप को जब आप, बच्चे ने तो बताया ही होगा घर में जाकर के कि आज मैं ये करके आया हूं, लेकिन एक टीचर खुद जाकर के अगर बताता है तो उस परिवार में टीचर का आना, टीचर का बताना उस बच्चे को भी ताकत देगा और परिवार भी कभी कभी और कुछ सोचता होगा। जब टीचर ने आके कहा तो परिवार भी सोचा यार मेरे बच्चे में ये तो शक्ति हमें मालूम नहीं थी, लेकिन टीचर ने जो वर्णन किया वाकई हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप देखेंगे एकदम से माहौल बदल जाएगा। और इसलिए पहली बात यह है, परीक्षा के समय तनाव दूर करने के लिए क्या करना, उसके लिए तो मैंने बहुत कुछ कह चुका हूं, मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं। लेकिन अगर वर्ष भर आपका उसके साथ नाता रहता है, मैं तो कभी कभी पूछता हूं कई टीचरों को कि भाई आप 30 साल से टीचर हैं, जो पहले बार आपके यहां पढ़ाई करके गए होंगे शुरू में, अब तो उनकी शादी हो गई होगी, क्या कोई आपका स्टूडेंट अपना शादी का कार्ड देने आया था क्या? 99% टीचर मुझे कहते हैं कि नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं आया। मतलब हम जॉब करते थे, हम जिंदगी नहीं बदलते थे। टीचर का काम जॉब बदलना नहीं है, टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना है, और वही परिवर्तन लाता है। धन्यवाद। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।